हेलो फेसबुक एंड यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हनीका किचन में। आज हम बनाएंगे रोंगी की सब्ज़ी यानी कि वाइट लोबिया, और आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं हम। ये प्रोटीन से भरी हुई सब्ज़ी है। सबसे पहले मुझे चाहिए रोंगी यानी कि वाइट लोबिया। इसको मैंने 1 घंटा भिगो कर रखा था। 3 से 4 प्याज चॉप किए हुए, 3 टमाटर चॉप किए हुए, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, खड़े मसाले हींग, लाल मिर्च, देगी मिर्च, अदरक और लहसुन की पेस्ट, हरी मिर्च, हरा प्याज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एक कुकर रखेंगे और उसमें रोंगी को डालेंगे और इसे हम बॉईल करेंगे। पानी डालेंगे, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 4 से 5 विसल लगवाएंगे। प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया। अब दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई रखेंगे और तड़के की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल मैंने डाल दिया, अब इसको गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, सबसे पहले इसमें डालेंगे खड़े मसाले। अब डालेंगे थोड़ी सी हींग, अब डालेंगे इसमें प्याज, चार प्याज लिए मैंने, उसको चॉप कर लिया। अब इसे भूनेंगे थोड़ी देर। प्याज को हिलाते रहिए, इसको थोड़ा सा हम ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा भून चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। अब इसको 5 मिनट चलाएंगे। अदरक और लहसुन भी हमारा भून गया है। अब इसमें डालेंगे नमक, नमक थोड़ा ही डालिएगा, मैंने रोंगी में भी नमक डाला था। अब डालेंगे हल्दी, सारे मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च, देगी मिर्च, गरम मसाला। अब इसे हिलाएं। अब डालेंगे टमाटर, 3 मैंने टमाटर लिए चॉप किए हुए। अब इसे भी 5 मिनट पकाएंगे। साथ में डालेंगे हरी मिर्ची, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से।
अब इसे चलाते रहिए। अब मैं डालूंगी इसमें काली मिर्च कुटी हुई, ये देखिए मसाला तो हमारा रेडी है। अब हम थोड़ी देर में रोंगी को चेक करेंगे कि वो बॉईल हो चुकी है। प्रेशर कुकर को मैंने खोल दिया, अब इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं रोंगी हमारी पूरी तरह गल चुकी है। अब इसको हम मसाले में डालेंगे। पानी भी साथ में ही डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। ये बहुत ही जल्दी गल जाती है। मैंने सिर्फ चार ही विसल लगवाई थी, आप देख सकते हैं पूरी तरह बॉईल हो चुकी है। सबसे प्रोटीन वाली सब्जी है ये। अब इसे मीडियम गैस पे हम 5 से 10 मिनट रखेंगे ताकि ये मसाले के साथ मिक्स हो जाए। थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया है। अब इसे ढक देंगे। अब मैंने इसे ढक दिया। गैस को मीडियम पर रखेंगे। अब रोंगी को एक बार चेक करेंगे। फिर से 5 मिनट ढक कर पकाएंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं लास्ट में डालूंगी किचन किंग मसाला MDH का। लीजिए रेडी है हमारी रोंगी की सब्जी, आप देख सकते हैं। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये लीजिए रोंगी की सब्जी हमारी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।